कल जो मेरी ब्रीफिंग हुई इसकी मुझे बहुत अच्छी फीडबैक मिली और बहुत से वर्ल्ड की चैनल से मैंने रिक्वेस्ट किया मुझे उस ब्रीफिंग के यूज के लिए। आज मुझे रामदास धोती साहब की स्टेटमेंट पढ़कर खुशी हुई, जो चीज़ रामदास धोती साहब के दादा साहब चाहते थे वो भी कर दी। लिहाजा मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह एक अच्छी स्टेटमेंट रामदास धोती साहब चाहिए कि उनकी पार्टी में मिलिटेंसी नहीं है, अगर कोई कंपोनेंट उनके बगैर कर रहे हैं तो इट इज़ हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी कि उनको या डिसओन करें या फिर उसके साथ कोई दूसरी कार्रवाई करें। जो मैंने हकायक बताए उससे कम से कम एक चीज़ ज़रूर साबित हो गई है कि बलूचिस्तान की आवाम खुश है पाकिस्तान से, वो पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं। खुश कौन नहीं है जो पेड टाउट्स हैं बाहर से। और आप एक चीज़ वाजिया तौर पर समझ लें कि हमको टैकल करना है उन लोगों को जो किसी के कहने पे वहाँ कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, बट एट द सेम टाइम जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट करते हैं उसको संभालने के लिए हमें हर लिहाज से हर रिसोर्स जो हमारी हर किस्म की जो हमारे पास अवेलेबल टूल्स हैं उसको इस्तेमाल करते हैं वहाँ पर अमन हम दिला। ये सारी बातें ठीक ही हैं लेकिन मैंने जो ब्रीफिंग देनी है कुछ ऐसी होती है जब बंदा गवर्नमेंट में होता है स्टेट में होता है कुछ चीज़ों का ख्याल करना पड़ता है। आई डोंट वांट टू मेक मेनी एनिमीज ऑफ द कंट्री। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में खुश आमदीद। आपने बातचीत सुनी पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर रहमान मलिक साहब की। आपको यकीनन लगा होगा कि इनकी बातचीत और तज़िया निगारों की बातचीत में कोई फ़र्क नहीं है। मुसीबत यह है कि रहमान मलिक साहब और हुकाम बाला जब पाकिस्तान को जो गंभीर मसाइल जिनका हमें सामना है उसका तज़िया शुरू कर देते हैं तो लोग पूछते हैं अगर ये भी तज़िया कर रहे हैं तो हल किसने करना है। इन तमाम लोगों की जिम्मेदारी मसाइल को हल करने की है। बलूचिस्तान एक वो मामला था जिसके ऊपर इस हकूमत ने कहने को तो बड़ी तवज्जो दी और कहा कि हम पिछले 5 साल के अंदर इसकी कल सीधी कर देंगे, जो नाराज़गियाँ हैं, जो खफगियाँ हैं, जो मसाइल हैं, जो दहशतगर्दी है उसको हम हैंडल कर लेंगे, डेवलपमेंट भी करेंगे वहाँ पर, डिटेरेंस भी इस्तेमाल करेंगे और जहाँ पर ज़रूरत पड़ी हम रिकन्सिलिएशन भी करेंगे। लेकिन 4.5 साल के बाद बलूचिस्तान के हालात आपके सामने हैं। बलूचिस्तान कंटिन्यूज टू ब्लीड। आज भी बलूचिस्तान के अंदर डॉक्टर्स ने हड़ताल की, किडनैपिंग फॉर रैनसम वहाँ पर बढ़ गई है, अगर आप कत्लो गारतगरी का ग्राफ देखें वो भी आपको बढ़ता हुआ नज़र आता है। और सबसे बड़ी बात ये कि रिकन्सिलिएशन का वो प्रोसेस जिसके ज़रिए बलूचिस्तान को कौमी धारे के अंदर शामिल करना था वो हमें कहीं पर होता हुआ नज़र नहीं आता। हमें क्वेटा से ज्वाइन कर रहे हैं जनाब जमील बुगती साहब, हम बड़े उनके मशकूर हैं कि उन्होंने वक्त निकाला। हमारे साथ दो और मेहमान भी तशरीफ फरमा है। एक टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन कर रहे हैं सेनेटर नवाबजादा मीर लश्करी रेहसानी साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से, उनके भी मशहूर हैं, और डॉक्टर मोहम्मद इस्माइल बुलेदी JUIF के फॉर्मर सेनेटर, आपका ही बहुत शुक्रिया। एक टेस्ट केस था जमील बुगती साहब, लेट मी स्टार्ट विद यू, कि हुकूमत ने बुगती साहब का जो मर्डर केस था उसके ऊपर प्रोसेस को फैसिलिटेट करवाना था और जो कल्प्रेट थे उनको कैफरे किरदार तक पहुँचाना था, ये कमिटमेंट थी जो दी गई थी पोलिटिकली। इस टेस्ट केस को अगर हम बुनियाद बनाएं और अभी तक बलूचिस्तान के अंदर जो कुछ हुआ उसके सामने रखें तो क्या नज़र आता है, क्या पेशरफ्त हुई है अभी तक इसमें? देखिए, पेशरफ्त तो कुछ भी नहीं हुई है। हमने पहले भी कहा था कि ये इनका ट्रायल होगा इसके ऊपर कि जी ये जो कहते हैं उस पर अमल भी करेंगे, यानी हमें तो पहले दिन से ही शक था कि अमल कोई नहीं होगा, ये खाली बातें हैं। आज 4.5 साल के बाद जिस पार्टी ने हुकूमत में रहकर अपने जो शहीद थी लीडर उनकी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा उसके केस के बारे में उन्होंने कोई कदम नहीं उठाया तो मेरे वालिद के लिए वो क्यों कदम उठाएंगे? लश्करी रेहसानी साहब, आई नो कि आपकी अपनी पार्टी के साथ कोई ताल्लुकात बलूचिस्तान के मामले के ऊपर अच्छे नहीं रहे और आप आवाज़ उठाते रहे हैं, लेकिन ये बड़ा टेलिंग रिमार्क है कि बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का एक कत्ल का मुकदमा अगर आप सॉल्व नहीं कर पाए तो बलूचिस्तान की गिरहें तो बहुत गहरी हो गई हैं। 4.5 ईयर आप पार्टी के साथ हैं, हम सिर्फ जानना चाहते हैं कि वो क्या चीज़ माने हैं बलूचिस्तान के अंदर पेशरफ्त करने में। देखिए, 4.5 साल में भी मेरा एहतजाज बदस्तूर रहा है। कुछ लोग तो चीख पुकार कर रहे थे कि उनको तमगा इम्तियाज मिले, मैंने उसका भी इनकार किया। आप अर्जी है कि मुझे ये समझ नहीं आता कि आज का हुकूमत मरकजी हो या सूबाई, सूबे में सारे पॉलिटिकल पार्टीज हैं, कोई आज के हालात से बरी जिम्मा अपने आप को नहीं ठहरा सकता। मतलब मुस्तकिलन
चार साल में कमेटियां बनाते रहे और अगर आप इन कमेटियों के सरबराहों को खुर्शीद शाह साहब थे पता नहीं कोई और अब एक नए शख्स को नवीद कमर को उन्होंने लाया जो चार वजारतों में नाकाम होने का बात अब बलूचिस्तान का उन्होंने जिम्मेवारी उठाए कि ठीक करेंगे। इन कमेटी के चेयरमैनों से भी कभी आप पूछे प्रेस में मीडिया अपने चैनल के थ्रू हम भी उनके साथ बैठेंगे हमको बताएं बलूचिस्तान के इशू क्या है। असल में संजीदगी नहीं है इख्तियार नहीं है ये डील के जरिए हुकूमत आए और इंटरनेशनल डील होगा शायद और पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट के साथ डील होगा। इनके पास बलूचिस्तान के लिए कोई एजेंडा नहीं है नाकाम लोग हैं और ये समझते भी नहीं इशू क्या है। रहमान मलिक साहब यकीनन जबानी जमा खर्च या वो उनका एक कोई एजेंडा होता है वो उसके तहत बात कर रहे हैं मजीद बलूचिस्तान में शोरिश और यहाँ किसी और हवाले से फसाद बर्पा करने का शायद उनका नियत होता होगा मगर बलूचिस्तान के इशू को इन्होंने मजीद पेचीदा किया है। मसलन नवीद कमर ने कहा कि डायलॉग का मेरे पास इख्तियार नहीं है यकीनन किसके पास है हमें भी पता है मगर यहाँ इख्तियार जो सूबे और मरकज के पास ये तो है कि करप्शन को रोके जहाँ मेरिट की धज्जियां उड़ाई जा रही है उसको रोके अफगान माजीन के इनखला करे सूबे से लॉ एंड ऑर्डर का जो मसला है एक इंटरनल सिक्योरिटी और दूसरा लॉ अगर मैं इंटरप्ट कर मैं सिर्फ आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि साढ़े चार साल में आपकी जो ऑब्जर्वेशन रही है आपने कहा संजीदगी नहीं है हमारा तो ख्याल है कि सब कुछ जो है वो ईवान सदर से होता है। ईवान सदर में आसिफ अली जरदारी साहब मौजूद हैं रहमान मलिक बराह रास्त उनसे राबता रखते हैं प्राइम मिनिस्टर उनके कहे पर पानी पीते हैं या ऑफिस छोड़ के चले जाते हैं। आपका मुशाहदा क्या है कि साढ़े चार साल में क्या ईवान सदर के अंदर कोई संजीदगी पाई जाती है उन बड़े मामलात के ऊपर जिनके ऊपर आपकी पार्टी की गुज़िश्ता पार्टी की जो क्यादत है वो पब्लिकली कमिट करते इज देर एनी सीरियसनेस बलोचिस्तान के ऊपर। मैं तो इत्तेदाद से लड़ता रहा आपको शायद याद होगा एक मैंने जिरके के निकात वहाँ ईवान सदर में की मगर मेरा तमाम तर कोशिशें बेसुध गई कोई संजीदगी मुझे नजर नहीं आता प्रायोरिटी कुछ और है। प्रायोरिटी आप भी समझते हैं कि आज की हुकूमत का प्रायोरिटी इनके एमएनएज इनके मिनिस्टर्स का प्रायोरिटी क्या है प्रायोरिटी उनका बलूचिस्तान नहीं है फकत टाइम गेम कर रहे हैं और यहाँ बलूचिस्तान के हालात को मजीद खराब कर रहे हैं और बलोचों को माशी और सियासी और तालीमी मैदान में मजीद बर्बाद करने में तुले हुए हैं। अच्छा, और इनके पास कोई काम नहीं कोई प्रायोरिटी नहीं। बोलिए साहब आप जिस सेनेट का हिस्सा रहे मैं दोबारा देखें आप एक सियासी धारे के साथ आप तमाम लोगों ने काम किया उस सियासी धारे के अंदर जमहूरियत का बहाव भी हमें बड़ा नजर आता है। हम ये जानना चाह रहे हैं कि तमाम तर जमहूरी लवाजमात होने के बावजूद तमाम तर मालूमात होने के बावजूद तमाम तर मसाइल का अदराक होने के बावजूद हेडवे क्यों नहीं हो रहा। प्रोग्राम का मकसद है ये डिटरमिन करना कि हम प्रोग्रेस क्यों नहीं कर रहे पेशरफ्त क्यों नहीं कर रहे संजीदगी का फुकदान है कैपेसिटी नहीं है क्या मसला है। चलो सब ये बलूचिस्तान का एक तसलसल एक है हिस्ट्री है ये आज से नहीं है। आप देखें कि जिस अदवार में 65 ईयर्स गुजरने के बाद भी मैं समझता हूँ कि आज भी बलूचिस्तान प्रैक्टिकली पाकिस्तान का ऐसा तस्वर नहीं किया गया है। हर दफ़ा हर जगह ये आगाज़ की बलूचिस्तान की बात की गई। उस वक्त आपको याद है पिछले अदवार में जब हमारे एक बड़े आला शख्सियत जो बलूचिस्तान के एक हीरो थे नवाब बुगटी शहीद उनके लिए कमेटी गया और उसमें तमाम हाफिज़ हुसैन भी शामिल थे मुर्शाद हुसैन भी शामिल थे सारे शुदा से उसने बाकायदा चंद फार्मूले पर चंद शराइत पर उसने एग्री किया। वो इंडिया पाकिस्तान नहीं था वो वजीर आला भी रह चुके थे वफाकी मिनिस्टर भी रह चुके थे लेकिन उसमें वजह क्या थी कि वो तमाम चीज को सबोदाज किया गया और उसको ज़बरदस्ती बंदूक के नोक से शहीद किया गया। और इससे पहले भी एक नौरोज़ खान का दौर था अली मोहम्मद मेंगल के वक्त में उन लोगों ने वक्त की हुकूमत ने उनसे मुआहदा किया कि आप आए पहाड़ छोड़कर नीचे आ जाए आपके जितने शरायत हैं हम आपसे बात करेंगे। लेकिन इस दौर में क्या हुआ मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूं कि नीचे आया नौरोज़ खान उसको शहीद किया गया। इस दौर ने तो जख्मों के ऊपर मरहम रखना था ना जी इस दौर ने तो जख्मों के ऊपर मरहम रखना था। इस दौर के अंदर तो सियासी जमातों बशमूल आपकी पार्टी ने तमाम मामलात को दुरुस्त करना था वो क्या हुआ उस अमल का क्या हुआ। देखो ना सबसे पहले मैं समझता हूँ जैसा कि हमारे जमील भुट्टी ने कहा और रईसा ने हमारे काबिल एहतराम में मैं इत्तफाक करता हूँ इसमें जो कमेटियाँ बनाई जाती हैं इसमें तो अव्वल ये है कि किस से बात की जाए
और ये जो कमेटियां बनाते हैं, आया ये बाख्तियार है? अव्वल तो इख्तियार इनके पास नहीं है। जो मुख्तदर कुव्वतें जिनके पास इख्तियारात हैं, पहले मैं समझता हूँ कि जरदारी भी मुखलिस नहीं है, वो संजीदा नहीं है। ये हुकूमत जब आया उसने बलूचिस्तान से माफ़ी मांगा कि मैं बलूचिस्तान के अवाम से माफ़ी मांगता हूँ, जरदारी ने। माफ़ी मांगने से मसला हल नहीं होता है। जरदारी ने संजीदगी का मुजाहरा नहीं किया, मरकज़ ने संजीदगी से मुजाहरा नहीं किया, और रहमान मलिक तो एक बाबू है, कलरक है, उसको जिस तरह जरदारी कहता है, लेकिन वो भी बलूचिस्तान के मामलों में संजीदा नहीं है, और वहाँ के सूबाई हुकूमत के पास भी इख्तियार नहीं है। अभी जो दोबारा एक कमेटी, पहले हमारे थे खुर्शीद शाह, वो आज तक वो बलूचिस्तान नहीं गए, वो कमेटी को 1.5 साल हुआ, वो ख़त्म हो गया। अभी नवीद कमर को क्या पता है कि बलूचिस्तान के आलिब से बेस से क्या पता है? मैं समझता हूँ कि बलूचिस्तान का मसला इंतहाई सीरियस है, और मसला अब उनके हाथों से निकल चुका है। लेट मी गो टू जमील, जमील सर, अब अगर ये जो कमेटियों पर गुजारा करेंगे, इनके पास इख्तियार नहीं है, अभी नवीद कमर जाएंगे किससे बात करेंगे?